एवरीवन, दिस इज सुदर्शन तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप अनअकैडमी में डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है और ये बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम डैशबोर्ड में क्वेश्चन तो दिखते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन असाइन नहीं होते, तो मैंने बार बार उनको बताया कि चूंकि नंबर ऑफ एजुकेटर ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन डैशबोर्ड पर आते हैं तो किसी ना किसी दूसरे एजुकेटर के स्क्रीन पर आ चुके होते हैं, इसलिए आपको वो अलॉट नहीं होते। लेकिन अगर वो क्वेश्चन वो एजुकेटर अनअसाइन कर देता है तो वह किसी दूसरे एजुकेटर को अलॉट होते हैं और उस टाइम पे आप अगर अवेलेबल होते हो तो वो आपको अलॉट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम पूरा पूरा दिन अपना दे देते हैं इस पे, लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। अब आप अगर कहीं भी पूरा दिन दे रहे हो और आप उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही कर रहे हो तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आपने अपना पूरा दिन दे दिया है और आपकी इनकम वहां पे क्या है, 0 है। इवन आपने उसके अलावा कहीं और पे टाइम नहीं लगाया, अगर आपने कहीं और पे लगाया होता तो मे बी आप वहां पे कुछ ज्यादा इनकम कर सकते थे। तो बात कर लेते हैं टाइम स्लॉट की, ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट है जब आप अवेलेबल रहेंगे और आपको वहां पे क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे पहला तो है कि अगर आप कोई हॉलीडे है, लाइक कोई संडे है या कोई और फेस्टिवल है जिसकी वजह से हॉलीडे आ गया है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जनरली नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस दिन नंबर ऑफ एजुकेटर कम होते हैं। ज्यादातर लोग हॉलीडेज पे अपना चिल करने का कोशिश करते हैं अगर वो ज्यादातर डेज में काम कर रहे होते हैं, तो उस दिन वहां पे नंबर ऑफ एजुकेटर कम होते हैं तो डैशबोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होते हैं और आपको असाइन होने के चांसेस उस पर बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी होती है आने की, वो केवल नंबर ऑफ एजुकेटर पे डिपेंड नहीं होती, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर भी डिपेंड होती है। लाइक जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे ना, डाउट आएंगे ना। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा है, नहीं पूछेगा, तो आपके पास डाउट नहीं आएंगे। लाइक वीक में ऐसा डे होता है, एक डे जब स्टूडेंट खुद रिलैक्स करना चाहता, वो उस दिन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। सेम तो वीक में कोई एक ऐसा डे आपको जरूर मिलेगा जहां पे जिस दिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी तरह पूरे दिन में भी होता करता है, आप मार्क करोगे, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होता है कि क्वेश्चन किस टाइम पर आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी आपको दोपहर का स्लॉट ऐसा मिल जाएगा आफ्टरनून में कि आपके क्वेश्चन आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगी, लाइक आपके डेस्क पोज पे 20-30 क्वेश्चन चल रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे कभी रात को भी ऐसा हो सकता है, मिड नाइट में आप बोलो तो कि क्वेश्चन आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और मैं बात करूं तो आप मॉर्निंग में भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आते, 2 से 3 क्वेश्चन चल रहे होते हैं, कभी कभी 0 क्वेश्चन भी चलते हैं। सो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हो, आपको मार्क क्या करना है कि किस टाइम स्लॉट पर आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं बैंकिंग में मैथ और रीजनिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करती हूं तो मुझे ज्यादातर क्वेश्चंस मॉर्निंग में अलॉट होते हैं और आफ्टरनून में अलॉट होते हैं, कभी कभी मॉर्निंग और आफ्टरनून में भी अलॉट नहीं होते। तो आपको करना क्या रहता है, बेसिकली आपको अपना डैशबोर्ड जरूर चेक करते रहना है कि डैशबोर्ड पर कितने क्वेश्चन चल रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो कि 20 से 25 क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप उस टाइम पीरियड पे जरूर वहां पे हों। लेकिन अगर आपके डैशबोर्ड से 2 से 4-5 ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप वहां पे अपना टाइम ना वेस्ट करें, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, और बहुत जल्द मैं इसमें बहुत सारी वीडियो भी लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो आप उन पे भी अपना कुछ एक्सप्लोर करिए, वहां भी अपने डाउट सॉल्व करिए, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी हैं, तो आप अपना टाइम वहां दीजिए तो जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।